वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में कुर्ती की कटिंग करी थी और आज हम इस वीडियो में कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे और स्टैंड पट्टी को सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं टॉप पार्ट की लिया है और इसके गले की कटिंग करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको ये कटिंग की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। गले की चौड़ाई हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और बॉक्स तैयार करके हम इसकी गोलाई ले लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे बीच में हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये इस तरीके से पेस्टिंग पेपर लगा के स्ट्रिप तैयार करी है और यहाँ पे हम इसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से इन दोनों स्ट्रिप को दोनों साइड से सेट करते हुए इसके ऊपर स्टिच लगा के इसको सेट कर देंगे। अब हम दोनों पार्टों के शोल्डर को स्टिच करेंगे दोनों साइड से। अब हम बैक पार्ट के गले की 1 इंच गोलाई लेंगे। अब हम इन दोनों छेड़ों को पकड़ के इस तरीके से बैक पार्ट के जो गले की है वहाँ पे इस तरीके से कट लगाएंगे। अब हमने राउंड में स्टैंड पट्टी कटिंग करी थी, उसे ले लेंगे। इसको हम दूसरे फैब्रिक को नीचे रखते हुए इस तरीके से सेट करेंगे। हमने दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर दिया है। अब ये जो ऊपर वाली साइड है इसे छोड़ देंगे और नीचे वाली साइड पे हम स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम सेंटर बिंदु से मार्किंग करेंगे, कट लगाएंगे। अब हम टॉप पार्ट लेंगे और बैक पार्ट पे जो हमने कट लगाया था वहाँ से और जो स्टैंड पट्टी पे हमने कट लगाया है इन दोनों को इस तरीके से सेट करते हुए हम इसकी स्टिच लगा देंगे। एक साइड से पहले स्टिच लगाएंगे।
अब देखिए यहाँ से हमने जो हमारी बटन पट्टी है वहाँ से हाफ लेते हुए हम यहाँ पे इस तरीके से स्टिच लगा देंगे, इस तरीके से लॉक करेंगे स्टिच करके। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करेंगे और इस तरीके से हम इसको पलट लेंगे और इसे इस तरीके से देखिए फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम स्टिच लगा देंगे तो हमारी ये स्टैंड पत्ती अच्छे से सेट हो जाएगी। और दूसरी साइड भी इसी तरीके से करेंगे तो दोनों साइड से स्टैंड पत्ती सेट हो जाएगी। अब इसे भी हम इसी तरीके से सेट करेंगे, इस पार्ट को भी इसी तरीके से स्टिच करके ऊपर की साइड से फोल्ड करते हुए लॉक कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से हम इसे पलटेंगे और ऊपर की साइड से टॉप की स्टिच लगा देंगे तो हमारी स्टैंड पट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी। अब देखिए हमने जो नीचे की साइड से स्टिच किया था इसे हमने खोल दिया है इस तरीके से। अच्छे से देखिए आपको इस तरीके से हमने इसे स्टैंड पट्टी को सेट किया है। आप इसे बाद में भी नीचे की साइड से स्टिच कर सकते हैं। तो अब हम नीचे की तरफ से भी स्टिच कर देंगे इस तरीके से। इसके बहुत अच्छे तरीके से राउंड में स्टैंड पट्टी हमने लगाई है बहुत अच्छे तरीके से और नीचे से अभी हम इसको सेट कर देंगे। मैंने इसे आपको दिखाने के लिए खोल दिया था, अब हम फिर से इसको सेट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से भी आप पहले ओपन रखते हुए भी स्टैंड पट्टी को अच्छे से लगा सकते हैं। अब हम आस्तीन को सेट करेंगे इसके ऊपर। आस्तीन के लिए हम इस तरीके से स्ट्रिप लेंगे और इसको डिजाइनर बनाने के लिए इस तरीके से दोनों साइड से स्टिच करके हम इस पे अटैच करेंगे।
तो इस तरीके से मैंने डिजाइनर तैयार कर ली है आस्तीन की। अब हम देखिए इस आस्तीन को इस तरीके से आर्मोल के साथ सेट करेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से कटिंग करी है, तो ये हमारी आर्मोल और आस्तीन बराबर से सेट हो जाएगी। सबसे पहले हम देखिए हमने जहाँ कट लगाया है वहाँ से हम दोनों को स्टिच करेंगे, इस तरीके से दोनों को जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए हमारी दोनों साइड से कोई फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं बचा है, दोनों साइड से हमारी आर्मोल के साथ आस्तीन अच्छे से सेट हो गई है। तो दोनों साइड से हम सेट कर लेंगे, इस तरीके से स्टिच करेंगे। अब देखिए हम बॉटम पार्ट लेंगे, इस तरीके से बॉटम पार्ट को हम प्लेट लेते हुए इसको टॉप पार्ट पर इस तरीके से सेट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स हमारे ये प्लेट तैयार हो गए हैं। इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट ले लिए हैं हमने, इस तरीके से देखिए ये हमारे प्लेट लग चुके हैं। आप देखिए दोनों साइड से हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पे इसी तरीके से हम प्लेट लगा लेंगे और आस्तीन को इस तरीके से सेट करते हुए हम दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे। तो हमारी ये कुर्ती बनके तैयार हो गई है और हम ऊपर से बटन लगा लेंगे। स्टैंड पट्टी जो हमने लगाई है उसके नीचे की तरफ बटन पट्टी पे हम बटन लगा के इसको सेट करें। इस तरीके से शोल्डर का नाप लेते हुए मार्किंग करनी है, वेस्ट और जो हमारी आस्तीन की गोलाई है वहाँ पे मार्किंग करते हुए हमें पूरी कुर्ती की स्टिचिंग लगा देनी है। तो इस तरीके से हमने इस कुर्ती को तैयार कर लिया है। साइड से जो हमारी बॉटम पार्ट है वहाँ पे भी हम स्टिच लगा देंगे डबल।